खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए मुल्ला स्टेडियम को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था एवं लाखों रुपए की घास यहां बिछाकर इसे एक नया स्वरूप दिया गया था, किंतु वर्तमान समय की बात करें तो यह स्टेडियम अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है और यहां पर बिछाई गई लाखों रुपए की घास अब मरने लगी है, जिसका कारण पानी की कमी बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए स्थानीय मुल्ला स्टेडियम को करोड़ों की लागत लगाकर तैयार किया गया था एवं उसके बाद यहां खेलो इंडिया जैसे दो बड़े गेम्स भी हुए, किंतु उसके बाद धीरे धीरे स्टेडियम अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया, जिसमें लाखों की लागत से लगाई गई घास जो कि नागपुर से बुलाई गई थी और यहाँ पर घास को लगाया गया था, किंतु स्टेडियम में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण घास अब मरने लगी है, या यूं कहें कि यह घास अब पूर्णतः मर चुकी है, जिसका प्रमुख कारण खिलाड़ियों द्वारा स्टेडियम में पानी की कमी बताया जा रहा है। भले ही खेल विभाग द्वारा स्टेडियम के गेट में आवारा तत्वों को रोकने के लिए नए नए नियम बनाए गए हों और खेल शुल्क भी भले ही लगा दिया गया हो, किंतु स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आज भी वह जैसी की वैसी नजर आ रही है, जबकि इस स्टेडियम में लगा हुआ खेल विभाग का ऑफिस भी है जहां पर प्रतिदिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की नज़र इस स्टेडियम पर रहती है। लेकिन यदि बात करें स्टेडियम के संरक्षण की तो विभाग द्वारा स्टेडियम का संरक्षण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण करोड़ों की लागत से तैयार किया गया यह स्टेडियम फिर से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही स्टेडियम में प्रवेश के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दी गई है और यह बताया भी जा रहा था कि स्टेडियम में आने वाले शुल्क का उपयोग जिसके संरक्षण के लिए किया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पर अभी पर्याप्त मात्रा में पानी तक नहीं डाला जा रहा है, तो बाकी सुविधाओं तो दूर की बात है। इसकी स्थिति इसलिए खराब होते जा रही है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कारण पानी नहीं डाला जा रहा है और जितने भी यहाँ के अधिकारी है वो कभी ध्यान नहीं देते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपना पल्ला झाड़ते हैं और इसके लिए हम कुछ बोलते हैं तो हमें भी कुछ सटीक जवाब नहीं दिया जाता उनके द्वारा। इसमें तो फिर कहने का मतलब पहले जैसे हम मट्टी पे खेलते थे वैसे फिर अभी भी फिर आगे चल के मट्टी पे खेलना पड़ेगा। बड़े मुश्किल से घास लगाई गई थी मगर इस पे किसी भी प्रकार का उनके तरफ से ना पानी की सुविधा है, लाइट की भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। यहाँ पर 7 बजे के बाद दिखना बंद कम हो जाता है, यहाँ पे लाइट भी थोड़ा लग जाती तो और ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट मिलता। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर इसको व्यवस्थित रूप से अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मैं यहाँ इस ग्राउंड में जब से आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं, जिससे कि पूरी अव्यवस्था फैल गई। यहीं पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी कैंप चल रहा है और यहीं पर भाले की और गोले की प्रैक्टिस हो रही है। अगर भाला किसी बच्चे को लग जाए, फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे प्रशासनिक कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है जो व्यवस्थित रूप से देखरेख करे। जैसे कि हम इस घास को देख पा रहे हैं, घास मरने लगी है। गर्मी का टाइम है, प्रॉपर वे में तीनों टाइम है पानी चलना चाहिए, इतनी धूप तप रही है, सारी घास मर रही है, बच्चों को खुद को ही पानी चलाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और सबसे पहली बात ये कि अभी गर्मियों के समय में कैंप चलते हैं, कैंप में जितने भी बच्चे होते हैं सारे के सारे बच्चे विशेष तौर पर क्रिकेट फुटबॉल ऐसे गेमों में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इतने सारे आप देख सकते हैं कि कम से कम 500 बच्चे आए हुए हैं फुटबॉल खेलने के लिए, चारों तरफ टोटल फुटबॉल के बच्चे हैं और 8-10-15 जो है भाले वाले बच्चे हैं और गोले वाले बच्चे हैं, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाना चाहिए, पर्टिकुलर कोई एक क्षेत्र व्यवस्थित कर देना चाहिए जिसमें वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, वो भाला जो है वहाँ से फेंक रहे हैं, अगर बच्चों को लग गया तो दिक्कत जाएगी। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था बनाए। उधर पे जैसे हम देख सकते हैं कबड्डी वाले बच्चों की व्यवस्था किया गया है अलग, तो ऐसे इन लोगों के लिए भी कहीं व्यवस्था की जाए। क्रिकेट वालों के लिए जैसे क्रिकेट से भी कभी भी बॉल आके यहाँ लग सकती है, फुटबॉल जाके क्रिकेट खेलने वालों को लग सकती है, तो उनके लिए व्यवस्थित रूप से जैसे कि एक और दूसरा भी मैदान है हमारे पास, उत्कृष्ट मैदान जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी हम इनकी व्यवस्था बना सकते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर इस मैदान की देखरेख होनी चाहिए, पानी बराबर चलना चाहिए, तो घास मर जाएगी, इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा।